नगर निगम के जीवाराम होटल में पार्षदों की एक वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पार्षद देव दीपक यादव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अभी नगर निगम में 60 नए वाहन खरीदे गए हैं, उस पर ड्राइवरों की भर्ती की जा रही है। फिरोजाबाद नगर निगम के जीवाराम हॉल में पार्षदों की एक वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पार्षद देव दीपक यादव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अभी नगर निगम में 60 नए वाहन खरीदे गए हैं, उस पर ड्राइवर की भर्ती की जा रही है। शहर में चर्चा उठ रही है कि 50-50 हज़ार रुपये लेकर अधिकारीगण भर्ती कर रहे हैं। 3-4 अधिकारी इसमें संलिप्त बताए गए हैं। वे लोग चाहते हैं कि शहर में बदनामी ना हो, इसके लिए महापौर और नगर आयुक्त से मांग कर रहे हैं कि एक कमेटी गठित की जाए पार्षदों और अधिकारियों की, वो अपनी देखरेख में भर्ती कराएं। इसके लिए सिस्टम ये बन जाए कि 100 आदमी की लिस्ट बना ली जाए, किसकी भर्ती की जाए, सामने गाड़ी चलवाई जाए, कौन ड्राइवर गाड़ी सही चला रहा है उसकी भर्ती की जाए। इस तरह से बिना पैसों के भर्ती हो जाएगी। दूसरी बात ये भी कही गई कि इसके कई सबूत हैं, सबूत दिए जाएं। हम कोई CBI तो नहीं जो सबूत दे दें। चर्चा हो रही है कि बहुत बड़ी बात है, धुआं उठ रहा है तो कोई ना कोई बात होगी। नगर आयुक्त बेहद ईमानदार हैं, सारे पार्षद जानते हैं, उनकी देखरेख में कमेटी गठित कर भर्ती की जाए। वार्ता के दौरान पार्षद विजय शर्मा, मोहित अग्रवाल, शाहिद अंसारी समेत कई पार्षदगण मौजूद रहे। क्या नाम है सर आपका? मैं देशदीपक यादव। देशदीपक जी, जो आज ये मीटिंग हुई है किस संबंध में हुई है? अभी यहाँ 60 नए वाहनों की खरीद हुई है नगर निगम में, तो चर्चा उठ रही है कुछ दिनों से, भर्ती होनी है 3 ड्राइवरों की, कुछ अधिकारी वगैरह उसमें 50-50 हज़ार रुपये लेकर भर्ती कर रहे हैं। चर्चा भी हम लोगों को, तो हम लोग आज इकट्ठा हुए और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। हमारी मांग महापौर जी और नगर साहब से ये है कि पारदर्शिता लाने के लिए एक पार्षदों और अधिकारियों की संयुक्त कमेटी बना दी जाए। वहाँ कमेटी बैठ जाए, 30 आदमी भर्ती है, 100 आदमी लिस्ट बना लें, वहाँ ट्रैक्टर परेड कराएँ, जो ड्राइवर ट्रैक्टर सही चलाए उसका वहाँ तुरंत कर देगी भर्ती होगी, तो उसमें पारदर्शिता रहेगी। दूसरी चीज़ मान के चलिए कि भर्ती वो प्रक्रिया कमेटी नहीं बन सकती, तो महापौर जी हमारे अध्यक्ष हैं, उनसे मांग करते हैं कि नगर साहब के देख रेख में भर्ती करा दिया जाए। अकेले वही देख रहे हैं, उनकी देख रेख में, उन पर सभी पार्षदों को विश्वास है, वो ईमानदार है, बेहद ईमानदार है, तो हमारी यही मांग है कि पारदर्शिता रहे। क्या नाम है सर आपका? मेरा शाहिद अंसारी। शाहिद जी, जो आज ये मीटिंग हुई है उसमें क्या क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, अभी हमारे साथी पार्षद जी को जी ने भी विस्तार से आपको बताया, इसी कड़ी में हम आपको और बताना चाहते हैं कि जैसे हमारे साथी पार्षद विजय शर्मा जी ने जब अधिकारी को फोन लगाकर ये कहा कि ड्राइवर जो भर्ती हो रही है उसकी जानकारी हमें भी दी जाए, तो उस पर अधिकारी ने ये जवाब दिया कि आप वो नगर निगम के एडमिनिस्ट्रेशन में दखलंदाजी ना करें। तो इसी संज्ञान में हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक MP MLAs, प्रधान या फिर पार्षद, ये सब जो जनता चुनती है वो इसलिए चुने जाते हैं कि अगर कहीं एडमिनिस्ट्रेशन या अधिकारी कहीं गलती कर रहे हैं तो वो दखलंदाजी कर सकते हैं। उनको शायद ये मालूम नहीं है, जानकारी करें वो। हम आपके चैनल के माध्यम से फिर दोबारा ये कहना चाहते हैं, अगर कहीं चूक हो रही है तो हमें राइट है, हम अपनी बात रखेंगे और कहेंगे अगर कहीं गड़बड़ हो रही है तो हम सख्ती के साथ अपनी बात रखेंगे। और इसी कड़ी में जैसे हमारे साथी पार्षद ने कहा, उसको हम भी कहना चाहते हैं, पारदर्शिता लाने के लिए संयुक्त एक कमेटी बनाएँ, पार्षद को रखें साथ में, और अगर ये भी न रखना चाहते हैं तो हमारे जो नगरायक महोदय हैं एक ईमानदार शख्स है, वो उनकी देखरेख में भर्ती की जाए, बस यही इतनी छोटी सी बात है ना सर। 25 वर्षों से आपकी सेवा में अशोक इन्वर्टर अपनी बेहतर सर्विस और उच्च क्वालिटी की बैटरी के लिए प्रसिद्ध अशोक इन्वर्टर मसानी रोड।